अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सबैन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चे, जो सेक्स है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगी, दो ही कंडीशंस हैं, या मेल होगा या फीमेल होगी। सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्रोमोसोम जिसपे सेक्स डिटर्मिन जीन प्रेजेंट हो, उस क्रोमोसोम्स को कहेंगे ये है सेक्स क्रोमोसोम। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, सपोज एक सेल है और इस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? और इस क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, और इसे डीएनए के जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें जीन प्रेजेंट है। जीन मैसेंजर आरएनए बनाएगा जिसे एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्रोमोसोम जिसपे सेक्स डिटरमिन जीन प्रेजेंट हो, उस क्रोमोसोम्स को कहेंगे ये है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर स्टूडेंट? द क्रोमोसोम विच डिटरमिन सेक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल में प्रेजेंट है और एक्स वाई क्रोमोसोम जो कि मेल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखते हैं। इसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई है। बच्चे, जब 1911 में टी एच मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उस पर जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसके टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के मेल में प्रेजेंट और 4 पेयर्स ही क्रोमोसोम्स के फीमेल में प्रेजेंट है। लेकिन बच्चे, इन 4 पेयर्स में से जो 3 पेयर्स हैं वो मेल में और वो फीमेल में, दोनों में सिमिलर है, उनमें सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन जो एक पेयर है जो मेल में प्रेजेंट है और वो जो फीमेल में प्रेजेंट है, उनमें डिफरेंस है। ओके, जैसा कि मैंने इधर ड्रॉ किए हुए हैं, 1 2 3 4 पेयर ही मेल में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 पेयर ही फीमेल में प्रेजेंट है। लेकिन बच्चे, इन 4 पेयर में से 1 2 3 ये जो 3 पेयर्स हैं ये सिमिलर है, इनमें सिमिलैरिटीज हैं, और ये जो एक पेयर है 1 1 इनमें डिफरेंस है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि मेल में और फीमेल में सिमिलर हो, उनमें सिमिलैरिटीज हो, उन क्रोमोसोम्स को कहेंगे ये है ऑटोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम जो कि मेल में और जो फीमेल में डिफरेंट हो, उस क्रोमोसोम्स को कहेंगे ये है एलोसोम। क्लियर? ऑटोमिन सेम, सोमिन बॉडी। ऐसे क्रोमोसोम जो कि बॉडी के दूसरे ट्रेट्स के लिए हैं, उनके दूसरे करेक्टर्स के लिए हो, उनका सेक्स से कोई लेना देना ना हो, उन क्रोमोसोम्स को कहेंगे ये है ऑटोसोम्स, और एलोसोम्स को कहेंगे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर स्टूडेंट्स? फीमेल में चूंकि ये एक जैसे आइसोमॉर्फिक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। ओके, मेल में ये हेट्रोमॉर्फिक है, डिफरेंट है, रॉड शेप है, और ये क्या है, जे है, जे शेप का है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमने देखना है कि जब ये आपस में मेल और फीमेल आपस में जब फर्टिलाइज करेंगे, जब स्पर्म मेल से स्पर्म और फीमेल से एग, अब
में जब ये फ्यूज करेंगे तो उस दौरान जो न्यू प्रोजेनिया होगा वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, ठीक है। हम इनके गैमेट ड्रॉ करते हैं एक्स वाई के, फिर मैं वाई को डैड से शो कर देती हूँ। एक्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई, हेट्रोगेमेटिक है, डिफरेंट गैमेट्स बन रहे हैं और यहाँ पे क्या है, सेम गैमेट्स है, होमोगेमेटिक है फीमेल। नेक्स्ट इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं, हमारे पास एफ वन जीनेशन क्या आ गई स्टूडेंट्स, एक्स एक्स और एक्स वाई, 50% हमारे पास चांस है फीमेल के और 50% चांस है मेल के। जहां वाई क्रोमोसोम होगा वहां मेल होगा, जहां एक्स एक्स होंगे वहां क्या होगा, क्या होगी, फीमेल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम ह्यूमन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो ह्यूमन उनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के बच्चे, 23 पेयर्स मेल में और 23 पेयर्स फीमेल में प्रेजेंट है। लेकिन 23 पेयर्स में से स्टूडेंट जो 22 पेयर्स हैं वो मेल में और वो फीमेल में सिमिलर है, उनमें सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जो एक पेयर है वो मेल में और वो फीमेल में डिफरेंट है, उसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्लियर, इन विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, जो कि फीमेल में एक्स एक्स है और जो कि मेल में एक्स वाई है। नेक्स्ट इनके गैमेट्स बनाते हैं, फीमेल क्या है, होमोगेमेटिक है और मेल क्या है स्टूडेंट, हेट्रोगेमेटिक है, डिफरेंट गैमेट्स बन रहे हैं एक्स और वाई। नेक्स्ट इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स एफ वन जीनेशन क्या आ गई, एक्स एक्स और एक्स वाई, सो स्टूडेंट्स 50% चांस ही हमारे पास फीमेल के, 50% ही चांस हमारे पास मेल के हैं। स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, ह्यूमन के केस में जो वाई क्रोमोसोम है क्योंकि वो जे शेप का है और इसके ऊपर स्टूडेंट्स एक प्रोटीन है जो कि मेलनेस को क्रिएट करेगी, जिसको क्या कहते हैं, एस आर वाई जीन, जबकि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में ये जीन नहीं प्रेजेंट। लेकिन ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम्स पर एस आर वाई जीन प्रेजेंट है जो कि मेलनेस को डेवलप करता है, और वाई क्रोमोसोम किसके पास है, मेल के पास। लेकिन बदकिस्मती से स्टूडेंट्स हमारे माशरे में इस बात का शऊर नहीं है, हम लोग हमेशा औरत को ही ब्लेम करते हैं कि वो मुसलसल बेटियां पैदा कर रही है, बेटे नहीं पैदा कर रहे। सो बेसिकली जो रीज़न है वो क्या है कि जो मेलनेस को क्रिएट करता है जीन वो तो वाई पर, वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और वाई क्रोमोसोम किसके पास है, मेल के पास है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।